अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ इस वक्त चविंडा सेक्टर में, जहाँ पर 1965 में दुश्मन के 600 टैंक को निशान इबरत बनाया था पाकिस्तान आर्मी ने और आवाम ने, और आज इस चौक में मौजूद हूँ। ये वो सारे शहीद हैं जिन शहीद जो 65 की जंग में शहीद हुए थे। ज़्यादा का तल्लक रावलपिंडी रीजन से है, कुपवाड़ से है, और ये वो नक्शा है जनाब, वर्किंग बाउंड्री है, और ये जो केंगरा लखनाल देख नदी, ये इसके साथ साथ ये दरिया आ रहा है, ये जो रामगढ़ से लेके अरीना तक ये जो बाउंड्री है सेल फोर्ट के अंदर, ये उसकी सारी हिस्ट्री मौजूद है, और ये शुदा के वाले से सारी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं इनके लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये टैंक मौजूद हैं जो वहाँ पर उस वक्त जिनको निशाना बनाया गया था कि वो जहाज खड़े हैं। ये है चविंडा सेक्टर पंजाब के अंदर, और उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। ये चविंडा जो बेसिकली वर्किंग बाउंड्री पे बॉर्डर एरिया आता है, और ये ज़िला है सियालकोट, और बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही नहीं है। तो ये तमाम शुदा की वजह से यहाँ पर बनाया गया है, ये तमाम के तमाम ये टैंकर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो जहाज यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो मिसाइल वगैरह जो यहाँ लगाए थे वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और 1965 की जो जंग थी उसका पंजाब के अंदर, ख़ासकर ये जो चविंडा के शुदा का जो मज़ार हैं, ये उनकी यादगार यहाँ बनाई गई है। यहाँ पर बड़ी फाइट हुई थी, और 600 के करीब इस 65 की जंग में इंडिया के जो टैंकर हैं उनको तबाह किया गया था।